हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग आरा डेली ब्लॉगर। तो गाइस, आज हम बनाना बताएंगे आपको वेज मोमोज और वेज मोमोज के साथ खाने वाली चटनी। तो गाइस, चटनी और मोमोज की रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के बीच में स्किप ना करें। और गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस हम पहले मोमोज बनाएंगे। मोमोज बनाने के लिए हम पहले मोमोज का डो रेडी करेंगे। ये मैंने एक बड़े बाउल में और एक छोटे बाउल में मैदा ले लिया है। तो गाइस ये हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे हम अपना डो रेडी करने के लिए। हमें इसमें डाल लेंगे मैदा। तो गाइस हमें जो डो लगाना है ये टाइट, ज़्यादा ढीला नहीं लगाना, मीडियम लगाना है, ना ज़्यादा टाइट हो। तो गाइस इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। डो को अच्छे से हम रेडी करेंगे। इसमें हम ना नमक डालेंगे ना ऑयल डालेंगे, डो को हम ऐसे ही रेडी करेंगे। फिर हम ऐसे हल्का हल्का पानी लेंगे। मोमोज का डो हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा मीडियम रखना है। जब हमारा डो रेडी हो जाएगा तो इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, एक प्लास्टिक बैग में रैप करके रखेंगे। गाइस हमारा डो देखो ऐसे लग चुका है। अब इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे एक घंटे के लिए। तो गाइस ये हमने एक पन्नी ले लिया, हम इसमें ऐसे ये डो को डाल के ऐसे करके फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारा जो डो मोमोज का डो है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं एक घंटे के लिए। तो गाइस हमने मोमोज का डो सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैंने ये तीन टमाटर कट कर लिया, और ये मैंने धनिया की डंडी कट कर लिया, थोड़ा लहसुन ले लिया मैंने, और ये लाल मिर्च ले लिया। तो गाइस अदरक इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो गाइस चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मोमोज की चटनी मैं ऐसे बनाऊंगी जो मोमोज वाले बनाते हैं। तो गाइस हम मोमोज की चटनी के लिए पहले एक पैन में ऑयल डाल लेंगे। इसे हमें ऑयल में ही पकाना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो गाइस हमारा ऑयल गर्म हो गया, अब ये हम इसमें हमने लहसुन कट कर लिया था ये डालेंगे। लहसुन डाल लेंगे हम, लहसुन को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गाइस ये हमने ये लाल मिर्च ले ली थी, ये हम डाल लेंगे। ऑयल में ही पकाने हैं अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए। टमाटर को भी इसमें डाल लेंगे हम, और ये हम धनिया भी डाल लेंगे। ये हमें 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाने हैं। अभी हम इसे चलाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है हमें। और चटनी हमने अपनी क्वांटिटी के अनुसार बनाई है। तो आप अपने, हमने 3 टमाटर लिए हैं, और मैंने 10-12 लाल मिर्च लिए हैं, और ये मैंने 4 लहसुन की कलियाँ कट कर ली थी, और थोड़ा सा धनिया की डंडी ले ली थी। तो गाइस आप चटनी अपनी क्वांटिटी के अनुसार बना सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे, इसे 5-10 मिनट के लिए हम अच्छे से पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक हमारे टमाटर जो है ना ये गल ना जाए। तो गाइस टमाटर को पकाने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम ये 1.5 छोटा चम्मच डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। गाइस थोड़ी सी अजीनोमोटो डालेंगे, अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते। ऑयल में ही पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल ना जाए। अब इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे रहने देंगे, ये लो फ्लेम पे पकाएंगे हम। फिर हम हमारे टमाटर गल जाए तो हम इसे फिर ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे। तो गाइस हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा कलर के लिए फूड कलर डालेंगे, जिससे हमारी चटनी का कलर अच्छा है। ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है छोटा, 1 से 1.5 चम्मच छोटा। तो गाइस इसे अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इसे हम कर लेंगे ठंडा, फिर इसे हम मिक्सी में पीसेंगे। हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसके हम मिक्सी में डाल लेंगे, इसको चटनी बना लेंगे, इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल जरा सा, वरना ये थोड़ी इसमें अच्छे से मिक्सी में चलेगी। अगर आपको ज़्यादा पतली करनी है तो आप थोड़ा पानी और डाल सकते हैं।
गाइस बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें, अब इसको हम पीस लेंगे। हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार है, अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी जो मोमोज वाली चटनी बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से बनी है। गाइस मैंने मोमोज की फिलिंग के लिए थोड़े वेजेस ले लिए, ये मैंने पत्ता गोभी ले लिया, ये मैंने पीली शिमला मिर्च ले लिया, हरी शिमला मिर्च ले लिया, और थोड़े मैंने मिर्ची कट कर लिया, मोटी वाली मिर्च को कट कर लिया, थोड़ा मैंने पनीर ले लिया, और ये एक प्याज मैंने कट कर लिया, थोड़ा मैंने लहसुन कट कर लिया। तो गाइस अब मोमोज की हम फिलिंग बनाना तैयार करते हैं। शिमला मिर्च और ये कलरफुल शिमला मिर्च इसमें ऑप्शनल है, अगर आप खाली पत्ता गोभी की फिलिंग बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो। तो गाइस इसमें हम पहले बाउल ले लेंगे, अभी इसमें ये हम पत्ता गोभी डालेंगे, ये हम सारी वेजेस डाल लेंगे इसमें। गाइस आप फीलिंग अपने आप सोयाबीन के मोमोज बना सकते हैं, ये हम वेजेस वाले मोमोज बना रहे हैं, वेज मोमोज। ये हम लहसुन डाल देंगे इसमें, सब्जी को आप बारीक कट कर सकते हैं। तो गाइस इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, थोड़ी सी जो हमने ये मोमोज की चटनी बनाई थी वो डालेंगे ताकि फिलिंग का टेस्ट अच्छा है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने फिलिंग को फ्राई नहीं करा, हम ऐसे बनाएंगे। ये ग्रीन चिली सॉस लेंगे, ये डालेंगे आधा चम्मच, हम निकालेंगे इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारी फिलिंग का टेस्ट है वो और अच्छा आएगा। इसे हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया कट कर लिया था, ये डालेंगे थोड़ा सा। फिलिंग आप अपने वेजेस के अपने टेस्ट के अनुसार कोई से भी वेजेस ले सकते हैं फिलिंग के लिए। तो गाइस देखिए हमारी फिलिंग का कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो गाइस ये पनीर बच गया था, अब हम पनीर डालेंगे। पनीर इसमें ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस हमारी फिलिंग बनकर तैयार है। गाइस हमने मैदा फ्रिज से निकाला, एक घंटा हो गया, अभी हम पन्नी से निकाल लेंगे, इसे हम बाउल में डाल देंगे। मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया, इसे हम अच्छे से भुन लेंगे। हमने बिल्कुल भी ऑयल वॉयल कुछ नहीं लगाया, मैदा हमारा बिल्कुल देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां कट कर लेंगे। इसको मैदे को हम फाइल पे ले लेंगे, भर के रेडी होंगे उतने हम स्टीमर को तैयार कर लेते हैं। स्टीमर में हम पानी डाल देंगे, इसमें हम इतना ही पानी डालेंगे, एक जग पानी डाला है हमने। अब इसके ऊपर ये दूसरा रख देंगे, अब इसका ढक्कन हम रख देंगे। जितने हमारे मोमोज भर के तैयार होंगे हम इधर लेते हैं, पानी अच्छे से उबल जाएगा। तो गाइस इसका हम ढक्कन ढक देते हैं, हमारा पानी अच्छे से उबल जाएगा। अब हम अपने मोमोज को भर के तैयार कर लेंगे। ये हमने सूखा मैदा ले लिया थोड़ा सा, ये हम थोड़ा थोड़ा ऐसे लेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। ये इतना इतना हम ले लेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस ले लेंगे हम इनके, इनकी गोलियां बना लेंगे। फिर हम मोमोज को भरना चालू करेंगे बेल के। अब हम इसको बेलना चालू करेंगे, इसकी हम पतली सी पूरी बना लेंगे। थोड़ा सूखा आटा ले लिया हमने, इतने हम बेल लेंगे।
अब इसमें हम ये थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे। इसे अब इसकी शेप बनाएंगे ऐसे करके। मोमोज की शेप आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, मोमोज की बहुत सारी शेप बनते हैं। तो इस ये हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये हमारा मोमोज बनकर तैयार है। इन्हें हम साइड रख लेंगे। ये हम ऐसे शेप ले लेंगे ऐसे करके, ऐसे करके हम ये पूरा अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये हम ऐसे ले लेंगे, अब इसे हम साइड रखते हैं। तो हम गाइस मोमोज थोड़ा मीडियम साइज बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। हम मोमोज थोड़ी बेल लेंगे ऐसे। ऐसे हम सारी शेप बना लेंगे इसकी। गाइस हमारा पानी गर्म हो गया, ये हम छलने पे थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। हल्का हल्का इस पर ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे मोमोज इस पर चिपके ना। और क्या, तो गाइस इस पर हमने ऑयल लगा दिया, अभी यहाँ पर रख देंगे। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है मोमोज को स्टीम करने के लिए। अब इस पर हम एक एक करके मोमोज रख लेंगे। तो गाइस ऐसे ही हम सारे रख लेंगे। पानी को हमने गैस फ्लेम को हमने फुल कर दिया है। हमने सारे मोमोज इसमें स्टीम करने के लिए रख दिया। अब हम ढक्कन को ढक देंगे, ये हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हम 5 मिनट बाद फिर दोबारा चेक करेंगे। इसे हम ऐसे ढक देंगे और गैस फ्लेम को हमने हाई कर दिया। तो गैस मिलता है 5 मिनट बाद। गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम मोमोज को चेक कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारे मोमोज अच्छे से ये बन चुके हैं। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर एक प्लेट पे निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए ये अच्छे से बन चुके हैं, गरम गरम है गाइस। ये गाइस देखिए अच्छे से पक गए हैं, इसकी मैदा भी अच्छे से पक गई है। तो गाइस अब हम इसकी कर लेंगे प्लेटिंग। हमारे मोमोज बनकर तैयार है, हमने प्लेटिंग कर ली है। हमने हरी चटनी ले ली और लाल चटनी जो हमने बनाई थी। तो गाइस आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।